Hello everyone, I'm Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the Financial Accounting Semester 6 MCQ series which I have started. So this series you are going to get on a regular basis, which will help you to revise all your chapters. So let's start. हेलो एवरीवन, सो ये एक नया सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ TY BCom सेमेस्टर 6 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो अब हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, रेगुलर आपको वीडियोस मिलने वाले हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एज वेल एज उसमें मैच द फॉलोइंग भी होते हैं. सो पहले ही मैंने थियोरी क्वेश्चंस डाल दिए हैं, अगर आपने वो थियोरी क्वेश्चंस अब तक नहीं देखे तो वो थियोरी क्वेश्चंस को भी देखें और थियोरी क्वेश्चंस भी प्रॉपर प्रिपेयर करें. तो सिंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस बार कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए, जैसे लिक्विडेशन, फिर LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं, सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स है वो भी धीरे धीरे रिवाइज हो जाएंगे और हम यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. ये आपको सेशंस कंटिन्यू चाहिए, किस सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियोस रेगुलर चाहिए, या किसी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हो रही है, कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सो दैट आई कैन प्रिपेयर मोर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट विद दी MCQ सीरीज फर्स्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सेमेस्टर 6. द असेट्स विच इज नॉट टेकन अंडर द नेट असेट्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन इज, तो ऑप्शंस आर लूज टूल्स, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस. देखो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कौन से असेट्स है जो नेट असेट्स मेथड में परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त हम नहीं लेते हैं. तो हम सारे असेट्स लेते हैं इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ हम फिक्टिशियस असेट्स को वहाँ नहीं लेते हैं. तो फिक्टिशियस असेट्स में अगर हम इस ऑप्शंस में से देखें तो फिक्टिशियस असेट है शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो इसका सही आंसर बन जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस. तो पॉइंट नंबर 1 का फर्स्ट MCQ का राइट आंसर है शेयर इशू एक्सपेंसेस. तो इसका राइट आंसर है शेयर इशू एक्सपेंसेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कवर्स द अमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपरली पढ़ के रखना, बिकॉज इस पर हर साल एक MCQ पूछा जा सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स भी पूछा जा सकता है. सो डैश कवर्स द अमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. तो देर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन ओवर हियर, जैसे AS 11, AS 12, AS 14 या नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है AS 14. AS 14 डील्स विथ अमालगमेशन. तो आपको याद रखना है अमालगमेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, AS 14. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट रिजर्व शुड बी शोन अंडर डैश इन द बैलेंस शीट. तो पहले 2013 में जो इंडियन कंपनीज एक्ट अपडेट हुआ है, उसके पहले अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम फिक्टिशियस असेट्स में भी लिख सकते थे, बट फिलहाल रिसेंटली 2013 के बाद अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो क्रिएट होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व से रिलेटेड, उसको हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेस करके दिखाना पड़ता है. तो इसीलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, मिसेलेनियस एक्सपेंसेस दैट इज फिक्टिशियस असेट्स, करंट असेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस या सिक्योर्ड लोन. सो रिजर्व्स अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेस करके दिखाना पड़ता है. दैट इज वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो दैट वॉज दी MCQ 3. द नेक्स्ट इज the exchange rate at the balance sheet date is known as monetary rate, average rate, closing rate या non-monetary rate. The exchange rate at the balance sheet date is known as, इसका सही answer है monetary rate. तो the right answer for this question is monetary rate. तो exchange rate at the balance sheet date will be known as monetary rate. The next is
द शेयर्स विच आर टेकन बाय अंडर राइटर्स इज कॉल्ड एज, तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, काफी सिंपल है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मार्क एप्लीकेशंस, अनमार्क एप्लीकेशंस, लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे शेयर्स जो अंडर राइटर्स लेने वाले हैं उनको बोला जाता है मार्क एप्लीकेशंस। तो राइट आंसर इज मार्क एप्लीकेशंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, डैश इज सेट टू बी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन, क्लोजर, मर्जर और अमालगमेशन। सो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का मतलब होता है लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नियरेस्ट ऑप्शन लिक्विडेशन है, क्लोजर भी वही है, लेकिन लिक्विडेशन विल बी एन अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रीब्यूटर इज क्रेडिटर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड लोन। तो कॉन्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कौन है? ही इज अ क्रेडिटर, ही इज अ शेयर होल्डर, ही इज अ डिबेंचर होल्डर और ही इज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूटर कौन होता है? कॉन्ट्रीब्यूटर शेयर होल्डर होता है। तो दैट इज द पॉइंट नंबर सेवन। द नेक्स्ट इज नंबर एट, द अंडर राइटिंग कमीशन इन केस ऑफ डिबेंचर्स एज पर द कंपनीज एक्ट शैल नॉट एक्सीड। तो आपको कमीशन के परसेंटेज याद रखने हैं, शेयर्स के लिए कमीशन का परसेंटेज है 5% और डिबेंचर्स के लिए कमीशन का परसेंटेज है 2.5%। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2.5%। अगर शेयर्स हुआ तो आपको याद रखना है इट्स 5%। शेयर्स के लिए कितना परसेंट है? 5%। और डिबेंचर्स के लिए कितना परसेंट है? 2.5%। द नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर नाइन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर। तो इसके बारे में आपको थोड़ा याद रख के जाना पड़ेगा, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वेरियस लिस्ट है, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ए, लिस्ट बी, मतलब ए बी सी डी लिस्ट आप याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो कहाँ पे शो होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, एंड वो शो होते हैं लिस्ट सी में। तो लिस्ट सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दीज आर द नाइन एमसीक्यू सीरीज। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपका रेस्पॉन्स अच्छा है, तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करते रहूँगा, सो दैट एग्ज़ाम तक हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पढ़ लेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएंगे, एंड जो एमसीक्यू सीरीज़ की वजह से आपके एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव्स भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टिल देन वर्क हार्डर, बी स्मार्टर, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।